अब बताओ तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताया इस बारे में? किस बात के बारे में? इसी बारे में जिसकी ट्रीट देने जा रहे हो। ईश्वर, मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम किस बात की ट्रीट ले रही हो। हाँ, वैसे हर बात पर मासूम बनना कोई तुमसे सीखे। मैंने ही तुम्हें रास्ता दिखाया कि शांति से कहो कि तुम्हारे नाम पे अपना घर कर दो, और तुम इतने तेज निकले तो मैं करवा भी लिया। पागल हो गई तुम? मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की थी उससे। उसने खुद ही हाँ, उसने खुद ही कर दिया। उसको तो इल्हाम हुआ था ना कि मैंने तुम्हें ये मशवरा दिया है, हाँ ना? इसे देखना, जो पूरा यकीन है नितिन सब कुछ तुम्हारे नाम पे खुद कर देगी। मुझे इस तरह की कोई ख्वाहिश है ही नहीं सजीदा। अब इतना सीरियस भी ना हो। ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया कि जिसपे तुमने अपना मूड ही ऑफ कर लिया है। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सजीला। ठीक है, तुमने ये बात की थी और मुझे उस वक्त भी बात बुरी लगी थी। क्यों? तुम्हें एक शानदार जिंदगी मिल रही है और तुम्हें ये बात बुरी लग रही है। शानदार जिंदगी का तसव्वुर जो तुम्हारे नजदीक है, मेरे लिए वो शानदार जिंदगी नहीं है। शानी, लेकिन शानदार जिंदगी वही है। नहीं, शानदार जिंदगी वो होती है जिसमें उसका साथ हो जिसको आपने चाहा। साथ हूँ तो मैं, और कैसा साथ चाहिए? ऐसा साथ नहीं मांगा था मैंने। शानी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। तुमने बहुत दूर कर दिया मुझसे अपने आप को। नहीं, क्या हो गया? तुमने जो मोहब्बत में किया है ना, उसी ने तो मुझे एहसास दिलाया है तुम्हारी मोहब्बत के अलावा तो मेरी कोई और मंजिल हो ही नहीं सकती। बहुत देर कर दी तुमने एहसास दिलाने में, बहुत देर से। चाय का एक कप बनाने में इतनी देर लगा दी तुमने। नादिया, चलो तैयारी करो अभी शानी के पास। अरे क्या हो गया, तुम इस वक्त अचानक ऑफिस से कैसे आ गए? चलो नादिया, अभी शानी के घर जाना है इसी वक्त। लेकिन शानी तो इस वक्त घर पे नहीं होगा, ऑफिस में होगा। आंटी तो होंगी, शानजे तो होगी, कोई तो होगा। अरे वाह, बहुत खूब,
बहन इतने अरसे से कह रही है कि भाई आके मिलके जाए, लेकिन वहां जाने के लिए तो तुम्हें वक्त नहीं मिल रहा, हर वक्त मसरूफ रहते हो। हर अब सास से ऐसी मोहब्बत जागी कि काम छोड़ के दौड़े चले आयो? हाँ, कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं जागी, मजबूरी से जा रहा हूं। मुझे कुछ पता चला और वो जाके आंटी को बताना है मैंने। ऐसा क्या पता चल गया खावर, मुझे तो बता। अरे बताना भी है तो फोन पर बता दो, वहां जाकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम जल्दी चलो, तैयारी करो। अब कुछ तो बताएं, मुझे हुआ क्या है? समझ गई मैं, मेरे सामने बताना नहीं चाह रहा इसीलिए मुंह नहीं खोल रहा। अम्मी, शानी शानजे को धोखा दे रहा है। और मैं चाहता हूं कि नादिया खुद जाके ये बात आंटी को बताए। क्या? तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अरे शादी को अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए और अभी से शानी ने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। हाँ सच्ची बात है, पैसा आ गया है ना, अब पैसा आ गया है तो अपने शौक तो पूरे करेगा वो। आंटी शानी ऐसा नहीं है। प्यारे भाई की प्यारी बहना, शानी कैसा है कैसा नहीं है वो सबूत जो है ना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप किया है, खुद भी देखो और जाके आंटी को भी दिखाओ। और जल्दी चलो, मुझे ना जिंदगी में और काम भी हैं ये शानी की दास्तानों के अलावा। चलो जी। अरे क्या व्हाट्सएप किया है, मुझे भी दिखाओ। अम्मी बाद में बताता हूँ, अभी जल्दी में हूँ। चलो जल्दी चलो। मैं जाके देखता हूँ। अरे व्हाट्सएप तो दिखा देते, क्या किया होगा व्हाट्सएप? हाँ जी, देख लिया अपने भाई का काम? आपने कब देखा है सब कुछ? अभी थोड़ी देर पहले। मैं तुमसे पहले ही कहता था कि शानी इस शादी से खुश नहीं है। मेरी एक बात मानेंगे आप? मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं। खावर अगर आप ये बताएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। मैं शानजे के साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकता, बहन कहा है मैंने उसको। अच्छा सुनो, मुमानी जान के यहाँ जाऊंगी मैं, सजीला से बात करूंगी, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। मैं उससे पूछूंगी कि कब से मिल रही है वो शानी से। एक मिनट, सजीरा को नहीं शानी को समझाने की जरूरत है। मुझे पता है खावर, दोनों को समझाने की जरूरत है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सजीला कहीं मिल गई हो उसे और शानी ने ऑफर कर दिया हो कि आके मेरे साथ खाना खा लो। जी नहीं, दोनों एक ही गाड़ी में आए थे। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा इस बात पर मुझे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सजीला से तुम पूछोगे वो सच सच बता देगी सब। हाँ मुझे बता देगी। ठीक है, तुम कर लो अपना शौक पूरा, पूछ लो सजीला से।